नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने कश्मीर पर दिया बयान तो भड़का भारत, कहा भारत के आंतरिक मामलों में ना दे दखल। भारत सरकार ने पाकिस्तानी संसद में तुर्की के राष्ट्रपति के संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाने और इस मसले पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन करने पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के सभी संदर्भों को खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। तुर्की भारत के मामले में हस्तक्षेप ना करे। तुर्की के राष्ट्रपति और तुर्की पाकिस्तान संयुक्त घोषणा द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के सभी संदर्भों को अस्वीकार करता है जो भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि हम तुर्की के नेतृत्व यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान से अनुरोध करते हैं कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। साथ ही अनुरोध करते हैं कि वो भारत के लिए पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद के खतरे सहित सभी तथ्यों की सही समझ विकसित करें। दरअसल भारत की आपत्ति के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने शुक्रवार को एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया और कहा कि उनका देश इस मसले में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करेगा क्योंकि ये दोनों देशों से जुड़ा विषय है। दो दिन की यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे अर्दोगान ने पाकिस्तान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि तुर्की इस सप्ताह पेरिस में FATF की ग्रे सूची से बाहर होने के पाकिस्तान के प्रयासों का समर्थन करेगा। उन्होंने FATF की आगामी बैठक के संदर्भ में कहा था, मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि हम FATF की बैठकों में राजनीतिक दबाव के संदर्भ में पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के रुख पर अपने देश का समर्थन दोहराते हुए अर्दोगान ने कहा था कि इसे संघर्ष या दमन से नहीं सुलझाया जा सकता बल्कि न्याय और निष्पक्षता के आधार पर सुलझाना होगा। उन्होंने पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के भारत के फैसले के परोक्ष संदर्भ में कहा था, हमारे कश्मीरी भाई बहनों ने दशकों तक परेशानियां झेली हैं और हाल के समय में लिए गए एक पक्षीय कदमों के कारण समस्याएं और बढ़ गई हैं। आज कश्मीर का मुद्दा हमारे उतना ही करीब है जितना कि पाकिस्तान के। उन्होंने कहा, ऐसा समाधान सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। तुर्की कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए न्याय, शांति और संवाद के साथ खड़ा रहेगा। अर्दोगान ने अपने भाषण में कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश के संघर्ष से की। उन्होंने पिछले साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। संयुक्त राष्ट्र में अर्दोगान के बयान पर प्रतिक्रिया करते हुए भारत ने कहा था कि उसे कश्मीर पर तुर्की के बयान पर गहरा अफसोस है और ये उसका आंतरिक मामला है। लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कश्मीर मुद्दे को लेकर लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।